अगर हमें शाम की चाय के साथ कुछ टेस्टी और क्रिस्पी सा स्नैक्स मिलता है तो हमारे चाय का स्वाद दुगना बढ़ जाता है। तो आज मैं आपके लिए ऐसी ही चटपटी मज़ेदार और क्रिस्पी स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ जो झटपट बनने वाली है और इसे बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक कटोरी गेहूं का आटा लेंगे और फिर से उसी कटोरी से एक चौथाई सूजी, इसके साथ ऐड करेंगे एक चम्मच साबुत जीरा, आधी छोटी चम्मच कलौंजी, आधी छोटी चम्मच अजवाइन, एक चौथाई चम्मच ब्लैक पेपर, एक चम्मच चाट मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी रेड चिली, आधी चम्मच ड्राई मैंगो पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। अब आधा कटोरी हरी मटर लें और इसे मिक्सी में दरदरा पीस लें। तो यहाँ मैंने इसे दरदरा पीस लिया है। अब इसे भी बाकी के इंग्रेडिएंट्स के साथ मिला दें। अब इसमें 2 टेबलस्पून सूखे देसी घी मिलाएं और साथ ही कसूरी मेथी को भी मिला दें। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून घी ले लिया है और इसके साथ कसूरी मेथी को मैं ऐड कर लूँगी। अब इन सबको अपने हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिला लें और जब इसमें बाइंडिंग कैपेसिटी आ जाए तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें। तो यहाँ पर मैंने मिला लिया और ये देखिए बाइंडिंग कैपेसिटी आ गई है। तो अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। ध्यान रहे इसमें पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करें क्योंकि हमें इसका हार्ड डो तैयार करना है। जैसा हम रोटी का डो तैयार करते हैं वैसा हमें तैयार नहीं करना है, उसे थोड़ा हार्ड तैयार करना है। तो इसलिए हम इसमें पानी धीरे धीरे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अब हमारा डो तैयार हो गया है और अब मैं आपको बताऊँगी कि इसमें कितना पानी मैंने ऐड किया है। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी पानी लिया था जिसमें से इतना पानी मैंने यूज़ किया है। अगर स्पून से देखें तो ये लगभग 5 से 6 स्पून होगा। और अब इसकी इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ तैयार कर लें और इसे रोटी की तरह बेल लें। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जब आप इसे बेलें तो इसे बिल्कुल पतली बेलें क्योंकि इसे हम शेप देंगे। तो अगर ये मोटी होगी तो हो सकता है कि शेप अच्छे से ना बने या फिर ये काफ़ी ज़्यादा मोटी हो तो फ्राई करने में काफ़ी टाइम लगे। तो ध्यान रहे इसे आप पतली ही बेलें। तो इसे हमें इस तरह से पतली बेल लेनी है और अब एक नाइफ की मदद से इसे हम शेप देंगे। तो पहले हम इसे बीचों बीच इस तरह से डिवाइड कर देंगे, इस तरह से दोनों पार्ट में डिवाइड कर देंगे और फिर इसके बीचों बीच हम इसे डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए इसे इस तरह से डिवाइड कर दें। और डिवाइड करने के बाद इसे इस तरह से रोल कर दें। ये देखिए इस तरह से रोल कर दें तो ये एक अच्छा सा डिज़ाइन बन गया। तो सारे को इसी तरह से आप रोल कर दें। तो ये देखिए यहाँ पर ये सारा रोल तैयार हो गया है। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और इसमें इसे तल लें। यहाँ 2 चीज़ें ध्यान रखें कि तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है, मतलब जब तेल स्मोकी होने लगे तो ही इसे तलें, और दूसरा फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम रखें। इससे क्या होगा, ये अंदर तक बिल्कुल अच्छे से पक जाएगा और क्रिस्पी बनेगा। अगर आप फ्लेम को हाई रखेंगे तो ऊपर से तो ये जल्दी पक जाएगा पर अंदर से कच्चा रह जाएगा। और हमें ये कैसे पता करना है कि ये बिल्कुल पक गया है, तो इसके लिए जब इसके ऊपर का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप समझ लें कि ये बिल्कुल पक गया है। तो इसे निकाल लें। तो लीजिए हमारा सुपर क्रिस्पी और क्रंची चाय के साथ सर्व करने वाला स्नैक्स बनकर तैयार हो गया है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर ऐसी ही कोई रेसिपी आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो वो भी कमेंट में ज़रूर लिखें।